तो दोस्तों, ज्यादातर सुपर हीरोज को जाना जाता है उनके ऑसम वेपन्स की वजह से, और जब बात आती है सबसे पावरफुल वेपन्स की तो इस मामले में थॉर बहुत आगे है। गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के पास अब तक के सबसे खतरनाक हथियार रह चुके हैं म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर। ये दोनों ही हथियार एक से बढ़कर एक है और इनकी अपनी अपनी खासियत है। आज हम म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कौन सा वेपन कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। थॉर के ये दोनों ही हथियार बने हैं उरू मेटल से। इसके बावजूद भी इनकी स्ट्रेंथ और पावर्स काफी अलग है। म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन शुरू करने से पहले आइए इन दोनों वेपन्स की पावर्स जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूनिर की। इस शक्तिशाली हथौड़े को सैकड़ों साल पहले नीडरवेलर के ड्वार्फ्स ने बनाया था। म्यूनिर को सबसे पहले इस्तेमाल किया हैला ने, लेकिन हैला इस हथौड़े से बिजली को काबू नहीं कर सकती थी। वो इससे लोगों को मारती थी और इसकी मदद से उड़ती थी। फिर कई सालों बाद म्यूनिर थॉर को दिया गया और थॉर ने इस हथौड़े का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरह से किया। म्यूनिर का यूज करके थॉर अपनी लाइटनिंग पावर को फोकस करता था, यानी वो इससे बिजली को काबू करता था। हालांकि इसके लिए उसे म्यूनिर की जरूरत नहीं है, लेकिन हथौड़े की मदद से ये काम काफी अच्छी तरह किया जा सकता है। म्यूनिर की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। इसका इस्तेमाल करके थॉर ने कई लोगों को मारा और कई मजबूत चीजों को तोड़ दिया। म्यूनिर अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता है। थॉर के बुलाने पर वो कहीं से भी उड़कर उसके पास आ जाता है। यहाँ तक कि थॉर बैठे बैठे भी उसे अपने मन से कंट्रोल कर सकता है। थॉर के पास उड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन म्यूनिर का यूज करके वो उड़ सकता है, वो भी बहुत तेजी से। म्यूनिर में कई सारी मैजिकल पावर्स है। अगर इस हथौड़े को इस्तेमाल करने वाला घायल हो जाए तो वो उसकी जादुई शक्तियों से ठीक हो सकता है। डिस्ट्रॉयर की वजह से थॉर मर गया था, लेकिन म्यूनिर ने उसे वापस जिंदा कर दिया। इसके अलावा म्यूनिर अपने यूजर का गेटअप भी चेंज कर सकता है। इस पावर का यूज करके थॉर कभी अपना आर्मर फॉर्म करता था तो कभी कैजुअल क्लोथ्स। यहाँ तक म्यूनिर खुद भी किसी और चीज का रूप ले सकता है। वैसे तो ये वेपन बहुत पावरफुल है और इसके आगे कोई टिक नहीं सकता, लेकिन अगर कोई थॉर से शक्तिशाली हो जैसे कि ओडिन या हेला, तो वो इस हथौड़े का मुकाबला कर सकते हैं। हेला थॉर से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए वो म्यूनिर को तोड़ पाई। ये सब तो है म्यूनिर की बात। अब बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में। नीडरवेलर के ड्वार्फ्स ने बहुत सालों से इस वेपन का डिजाइन तैयार करके रखा था, इस उम्मीद से कि जब थॉर एस्गार्ड का राजा बनेगा तो वो उसे ये हथियार बनाकर देंगे। स्टॉर्म ब्रेकर एस्गार्ड के सभी हथियारों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अगर इसमें मेटल का हैंडल होता तो ये और मजबूत होता। इसकी बेसिक पावर है कटाई और ठुकाई, मतलब ये हथौड़े की तरह ठोक भी सकता है और कुल्हाड़ी की तरह काट भी सकता है। इस हथियार की वजह से ही थैनोस पहले बुरी तरह जख्मी हुआ और बाद में वो इससे मारा गया। स्टॉर्म ब्रेकर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मतलब म्यूनिर के जैसे ही ये भी बिजली गिरा सकता है, लेकिन इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। ये थॉर की एनर्जी को काफी अच्छी तरह फोकस करता है। ये हथियार पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी टक्कर दे चुका है। स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके थॉर उड़ सकता है और इसकी मदद से उड़ना काफी आसान है, जबकि म्यूनिर से उड़ने के लिए पहले उसे बहुत स्पीड में घुमाना पड़ता है। स्टॉर्म ब्रेकर को भी थॉर अपनी मर्जी के मुताबिक काबू कर सकता है। वो जब चाहे इसे अपने पास बुला सकता है। इस हथियार में भी हीलिंग पावर्स है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर भी अपने यूजर को घायल होने पर ठीक कर सकता है। इस वेपन के क्रिएशन के टाइम पर थॉर लगभग मर ही गया था, लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाया तो वो पूरी तरह ठीक हो गया। स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे खास पावर है डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन, मतलब इससे बायफ्रॉस्ट ओपन किया जा सकता है, जिससे कि यूनिवर्स की किसी भी लोकेशन पर पहुंचना बहुत आसान है। बायफ्रॉस्ट की एनर्जी बहुत खतरनाक होती है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर इससे किसी भी प्लेनेट को तबाह कर सकता है। ये सब तो ही म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स की बात। अब शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। ये बात तो साफ है कि स्टॉर्म ब्रेकर म्यूनिर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी म्यूनिर की अपनी ही कुछ खासियत है जो कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट वेपन बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। म्यूनिर काफी छोटा हथियार है, इसीलिए इसे यूज करना बहुत आसान है। इसे सिर्फ एक हाथ से अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ही बड़ा और भारी हथियार है। इसे सही से यूज करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यूटिलिटी के मामले में म्यूनिर का कोई जवाब नहीं। ये बहुत ही कंफर्टेबल वेपन है। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करें तो ये दोनों ही हथियार लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में स्टॉर्म ब्रेकर काफी आगे है। ये हथियार थॉर की एनर्जी को कई गुना बढ़ाकर प्रोजेक्ट करता है, पर पावर लेवल ज्यादा होने की वजह से स्टॉर्म ब्रेकर बहुत अनस्टेबल वेपन है। इसे संभालना बहुत मुश्किल है, जबकि म्यूनिर काफी स्टेबल है। इसे इस्तेमाल करना आसान है। म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट। ओडिन के जादुई मंत्र की वजह से म्यूनिर को सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनका दिल साफ है और जिनमें घमंड और बुराई नहीं है। जो लोग वर्दी नहीं है, फिर वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इसे हिला भी नहीं सकते। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर पर वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट नहीं है, ताकतवर लोग इसे आसानी से उठा सकते हैं। पर यहाँ कमाल की बात यह है
कि म्यूनिर को उठाने वाला शख्स भले ही कमजोर हो, अगर वो वर्दी है तो इस हथौड़े को उठाते ही उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाती है। पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ऐसा नहीं है। एक तो इस हथियार को उठाने के लिए पहले आपको बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और इसे उठाकर भी आप बिजली को काबू नहीं कर सकते। वर्दी ने इसके एन्चेंटमेंट की वजह से म्यूनिर एक बहुत ही खास हथियार बन जाता है, और कई फैंस इसे स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए म्यूनिर हमें न सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम में दिखा, बल्कि अब ये थॉर 4 मूवी में भी दिखने वाला है। तो दोस्तों, ये था म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.